नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ रहे थे मॉडर्न अमेरिकन ज्योग्राफर। इसी कड़ी में हमने कई इम्पोर्टेंट जो है अमेरिकन ज्योग्राफर्स उनको पढ़ लिया था, जैसे मार्क जेफरसन को पढ़ लिया था, एलन चर्चिल सेम्पुल, हटिंगटन, पर्यावरणीय नीतिवादी हैं जो, और उनको पढ़ लिया था। अब हम आगे इसी कड़ी में और जो इम्पोर्टेंट बच गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। एच बैरो जो मानव भूगोल को मानव परिस्थिति के कहा था, इनका भी अध्ययन हमने कर लिया है। नेक्स्ट है पेरी ब्रिंघम। तो आज की क्लास में हम पेरी ब्रिंघम, ग्रिफिथ टेलर और कार्लो सावर, रिचर्ड हार्टशोन, डर्बेंट विटलसी और जी के जिफ, यहाँ तक का पोर्शन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेरी ब्रिंघम। ये आगे यहाँ तक अपनी लिस्ट है, लिस्ट बना सकते हो आप याद रखने के लिए। तो पेरी ब्रिंघम का विवरण देखते हैं अपने यहाँ। पेरी ब्रिंघम अमेरिका का भूगर्भ और भू आकृति विज्ञानी है। सबसे पहले तो साइंटिस्ट का पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, फिर उसके बाद उसका फील्ड पता होना चाहिए। तो ये है भूगर्भ विज्ञानी और भू आकृति, जियोमॉर्फो और जियोलॉजी दोनों में इसका योगदान है। वातावरण निश्चयवाद का घोर आलोचक था। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये संभववादी था, वातावरण की जो निर्भरता है उसको ये नहीं मानता था, ये संभववादी विचारक था। और इसके अनुसार मानवीय कारकों के कारण भी भिन्न जलवायु प्रदेशों में समानताएं मिल सकती हैं, कि मानव है वो भी एक सक्रिय सहयोगी है, एक एजेंट है। तो मानवीय कारक हैं उसके अनुसार भी या उनके कारण भी, मानवीय कारकों के कारण भी भिन्न जलवायु प्रदेशों में समानताएं मिल सकती है। जैसे कि सी एस क्लाइमेट और सी एफ क्लाइमेट में भी किसी भी फील्ड में समानता हो सकती है। तो ये नहीं कि सिर्फ जलवायु है तो जलवायु ही निर्धारित करेगी कि मानव के क्या रहन सहन होगा, क्या उसके कार्य होंगे। इसमें इसने उदाहरण देते हुए क्या समझाया है कि नगरीय क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट सिस्टम और औद्योगिक स्थल, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक जलवायु रीजन लिया हमने, जलवायु प्रदेश लिया, तो उसमें क्या है कि नगरीय क्षेत्र जो होगा उसकी क्या विशेषताएं होगी। कि अगर नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं देखेंगे तो उसमें एक केंद्र स्थल होगा, कहीं भी चले जाएं हम, एक जो क्षेत्र होगा जो बहुत विकसित होगा, जो बहुत पुराना क्षेत्र होगा, सीबीडी बोलेंगे जिसको, तो प्रत्येक जो नगरीय क्षेत्र है उसका एक सीबीडी होगा, औद्योगिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अगर एक औद्योगिक स्थल की ले, नगर है तो नगर क्यों विकसित हुआ है, तो उसमें कुछ विशेषताएं होगी, जैसे उद्योग होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, बेहतर आर्थिक सुविधाएं होगी, वहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होगी। तो इस प्रकार से किसी भी हम जलवायु प्रदेश में चले जाएंगे, अगर नगरीय क्षेत्र या नगरीय सभ्यता विकसित हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ कुछ सुविधाएं बेहतर होगी अन्य से। तो अगर अफ्रीका में हम उदाहरण लें, अफ्रीका की कोई एक प्राइमेट सिटी का उदाहरण ले लेते हैं जैसे, तो उसमें भी क्या होगा कि नगरीय क्षेत्र विकसित होगा तो किस लिए होगा, कि वो अपने आसपास के जो अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे वो सुविधा संपन्न होगा, और वहाँ जो सुविधाएं, जो फैसिलिटी वहाँ नहीं मिलती है वो उस क्षेत्र में मिलेगी तो वो डेवलप होगा। इसी प्रकार से कोई भी क्षेत्र है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लें, जैसे दिल्ली में भी अगर मेट्रो देखें और जयपुर की मेट्रो देखें, तो वो क्या है कि एक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और जो मेन जो स्टेशन है उनको जोड़ने के लिए, कि यहाँ जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ सुविधा की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से इन स्टेशनों को मिलाने के लिए क्या किया जाएगा, मेट्रो का संचालन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो मानवीय कारक हैं उसके हिसाब से भी क्या होता है कि जलवायु प्रदेशों में हमें समानताएं देखने को मिल सकती है। जबकि जो नीतिवादी थे उनका कहना ये था कि जो जलवायु है वो क्या होती है, कि अगर समान जलवायु होगी तो वहाँ की जो जीवन शैली है वो समान होगी। ये नीतिवाद का कंसेप्ट है, ये इससे जस्ट अपोजिट है कि भिन्न जलवायु प्रदेश हैं, जलवायु अलग अलग है, पर मानवीय कारक के कारण वहाँ पर समानताएं हो सकती है। नगरीय क्षेत्र में ये समानताएं देखने को मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में समानताएं हो सकती है और औद्योगिक स्थल में भी ये समानताएं हो सकती है। तो इसको ध्यान रखना कि ये संभववादी विचारक था। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर का डिटेल स्टडी करते हैं हम। ग्रिफिथ टेलर का समय है 1880 से 1963 और इनका जन्म है वो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इनका वर्क है। तो ये ऑस्ट्रेलिया चले गए थे 1892 में, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत है न्यू साउथ वेल्स।
पिता के साथ चले गए थे और 1904 में सिडनी विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था, अपना ग्रेजुएशन किया था। 1907 में ये भूविज्ञानी पद या खनन विभाग में इनको नियुक्ति मिली। खनन विभाग में इससे पहले हम्बोल्ट को भी मिली थी, तो आप इसको ध्यान रखना कि हम्बोल्ट जो था वो भी, उसकी भी नियुक्ति जो प्रथम नियुक्ति थी वो खनन विभाग में हुई थी। तो पीछे की चीज़ों को भी लिंक करते हुए चलना है अपने को। 1907 में इसको मिली है, खनन विभाग में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट है 1916 में अंटार्कटिका महाद्वीप की भूवैज्ञानिक संरचना पर इन्होंने PhD कार्य किया या अपना शोध कार्य किया। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करने के लिए हमने जब कुक पढ़ा था, कैप्टन कुक को पढ़ा था, तो उस टाइम भी हमने देखा था अज्ञात महाद्वीप बोला था अंटार्कटिका को, और ये जो क्षेत्र थे उस टाइम खोजे नहीं गए थे, तो उन्होंने ये खोज का कार्य किया था। तो इनकी जो संरचना है, इनका जो शोध है वो किस पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप की भूवैज्ञानिक संरचना पर इनका शोध है। नेक्स्ट है 1918 में मेलबर्न विश्वविद्यालय में ये भूगोल का प्रोफेसर बना। फिर 1928 में अमेरिका प्रस्थान किया इन्होंने, और 1935 में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा। तो ये इनकी जर्नी है, ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ इनका वर्क है। शिकागो, गैरी, मिल्वाकी, ये जो अपने देखते हैं फिंगर जो लेक्स हैं उसके किनारे जो बसे हुए शहर हैं, शिकागो, गैरी, मिल्वाकी, इस प्रकार से। तो आप इसको एटलस में टैली कर सकते हैं लोकेशंस को याद रखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय में चले गए ये। नेक्स्ट है 1935 से 1951 तक टोरंटो विश्वविद्यालय जो है अमेरिका में, उसमें ये प्रोफेसर रहे। तो ग्रेट ब्रिटेन में जन्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया में फिर पढ़ाई हुई, और ये शोध कार्य और सब है ये USA अमेरिका में इनका शोध कार्य चल रहा है। नेक्स्ट है 1951 में पुनः ऑस्ट्रेलिया आ गया, और वहाँ इसने श्वेत नीति, वाइट पॉलिसी को अपनाया। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ अभी भी रंग भेद की जो नीति है उसका प्रभाव है वहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि श्वेत जो नीति है, रंग भेद की जो नीति है उसको अपनाया इन्होंने, तो वहाँ की पॉलिटिक्स पर भी इनका काफ़ी प्रभाव था। तो ये भी आपके आ सकता है कि इनमें से कौन सा ज्योग्राफर है जो रंग भेद की नीति है उसका समर्थन किया था जिसने, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट इनकी बुक्स देखते हैं, ज्योग्राफी इन 20th century, तो 20वीं सदी का भूगोल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। स्टार मार्क कर सकते हो, मून मार्क कर सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट है रेशियल ज्योग्राफी, प्रजातीय भूगोल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रजाति, परिवेश और प्रवास, ये भी इनकी बुक है। और ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, तो ऑस्ट्रेलिया के ये, ऑस्ट्रेलिया में इनका वर्क था जो कि ऑस्ट्रेलिया का भूगोल में प्रकाशन हुआ इसका वर्क का। और प्रजाति, परिवेश और प्रवास और रेशियल ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रजाति भूगोल जो है, नरजाति भूगोल जिसको बोल सकते हैं, उस पर रिलेटेड है। नरजाति, प्रजाति और जाति, ये वाले जो कंसेप्ट हैं ये हम फिर देखेंगे कल्चरल ज्योग्राफी में। तो यहाँ इनका ज़्यादा तो डिटेल नहीं जाएंगे हम। प्रजाति, परिवेश और प्रवास जो बुक है इसमें इन्होंने बताया कि जो जनजातियाँ हैं उनका जो किस प्रकार से विसरण होता है, कि वो महाद्वीप के सेंटर से होते हुए जो नई जातियाँ हैं उस पर अतिक्रमण करते हुए जो ओरिजिनल जो जनजाति है उसको क्या कर देती है, बिल्कुल बाहर धकेल देती है। तो इस प्रकार से इनका ये कंसेप्ट है, देखते हैं आगे आ जाएगा डिटेल में देख लेंगे। योगदान देखते हैं इनका, यह नवनीतिवादी विचारधारा का संस्थापक था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नवनीतिवादी विचारधारा क्या होती है, स्टॉप एंड गो कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, नियो डिटर्मिनिस्ट या नियो डिटर्मिनिज्म भी बोल सकते हैं इसको, नवनीतिवाद को नियो डिटर्मिनिज्म, और संस्थापक था ये। रुको और जाओ नियतिवाद भी कहा जा सकता है, नियतिवाद का ही थोड़ा एडवांस कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा और विकास करके उस कंसेप्ट का नया कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि प्रकृति ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है, जिसमें मनुष्य के कार्य की दर या गति की दर को कम करती है, उसकी दिशा नहीं बदलती। मनुष्य न तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी है। दोनों जो अपने कंसेप्ट थे, संभववाद और जो नियतिवाद, दोनों ही कंसेप्ट थे, उनके एक मध्य का दर्शन है ये। संभववाद और नियतिवाद दोनों के मध्य का दर्शन है, तो बीच में एक मध्यस्थता करने का कार्य किया था इन्होंने, इसको आपको ध्यान में रखना है। नवनियतिवाद को, नवनियतिवादी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये दोनों के मध्य का दर्शन है। तो इसमें देखते हैं हम कि जैसे आप एक ट्रैफिक जो अपने होता है चौराहा, उस पर खड़े हैं आप, तो क्या होता है कि आप चारों दिशाओं में जा सकते हैं,
तो ये हो सकता है कि अगर कोई प्राकृतिक बाधा आ गई तो ये हो सकता है कि भाई आपका जो कार्य है वो थोड़ा उसमें विलंब हो जाए, उसमें थोड़ा देर हो जाए। पर ये नहीं है कि प्रकृति जो है वो आपकी दिशा को ही बदल दे कि आपको जाना तो इधर था और आपको ये इधर मोड़ दे, ऐसा नहीं होता। तो कि आपकी दिशा या फिर जो कार्य करने की दर है उसको ही प्रभावित करती है, न कि उसकी दिशा को। इस प्रकार से इनका स्टेटमेंट है ये। और जो मनुष्य है वो ना ही तो प्रकृति का दास है ना ही गुलाम है, और वो उसमें परिवर्तन लाने में संभव है, वो जो सक्षम है, और जो परिवर्तन संभव होते हैं वही परिवर्तन उसमें किए जा सकते हैं, ये भी इनका कहना था। तो बिल्कुल अति प्रणय जाकर कोई भी एक्सट्रीम का इन्होंने नहीं जिक्र किया है। प्रकृति और जो मानव का जो संभववादी सिद्धांत है उन दोनों के मध्य एक मध्यस्थता करने की कोशिश करी इन्होंने। तो एक्सट्रीम पे नहीं जाता इनका सिद्धांत, बिल्कुल मध्यस्थता करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों सिद्धांतों के मध्य समन्वयता बनाने वाला सिद्धांत कौन सा है, तो नवनीतिवाद है। नेक्स्ट है, न ही उसका दास है और न ही उसका स्वामी, ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट, इन्होंने नगरीय जो भूगोल है उसमें भी इनका वर्क है। तो इन्होंने नगरों के विकास और पतन की 7 अवस्थाएँ बताई थी। जब हम नगरीय भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने क्या है कि कार्य किया है, नगर विकास की अवस्थाएँ बताई हैं। तो इन्होंने भी 7 अवस्थाएं बताई है, ये फिर एक बार पढ़ लेंगे, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा। पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, अप्रौढ़, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 7 अवस्थाएं हैं। तो इसको हम जैसे एक बच्चे का जीवन होता है उस प्रकार से एक मनुष्य का जीवन होता है उसको रिलेट करते हुए इन्होंने ये 7 अवस्थाएं नगर की बताई है। कि जैसे नगर का विकास होता है तो किस लिए नगर का विकास होता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अपने जो आसपास का क्षेत्र है उसको प्रोवाइड करता है, कोई भी नगर होता है वो, तो उसका विकास होता है धीरे धीरे, फिर वो बड़ा होता है, फैलता जाता है नगर, अपने चारों ओर के एरिया को विस्तार करता है, उसका प्रभाव क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जाता है नगर का। तो धीरे धीरे नगर बढ़ता है, पूर्व शैशवावस्था, फिर जो शैशवावस्था होती है थोड़ी सी उससे अधिक विकसित, फिर उससे और विकसित होकर बाल्यावस्था, फिर एक किशोर होता है जो बिल्कुल पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, किशोर के बाद भी वो कुछ अनुभव लेकर फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, और इसके बाद की जो अवस्थाएं हैं वो इसके पतन की विकास हो पतन विकास की अवस्था नहीं होकर पतन की या फिर नष्ट होने की अवस्थाएं हो जाती हैं। तो जो वृद्धावस्था होती है उसमें शहर उत्तर प्रौढ़ावस्था होती है ना, ये पतन का शुरुआत हो जाता है यहाँ से, और फिर यहाँ आकर जो शहर होता है वो बिल्कुल उसका विनाश हो जाता है, तो घोस्ट सिटी बन जाता है वो, बिल्कुल अव्यवस्था फैली होती है चारों ओर, अराजकताएँ और ये फैलती हैं। तो ये बिल्कुल विकास से शुरू होकर पतन तक शहर क्यों जाता है, क्योंकि शहर के पास सुविधाएं होती है तो वहाँ लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है, उद्योग धंधे, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें विकसित होती हैं, तो धीरे धीरे शहर पर दबाव बढ़ने लगता है, और जो शहर है वो उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो इतना विस्तार हो जाता है कि लास्ट में क्या होता है कि बिल्कुल कच्ची बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ और ये बननी शुरू हो जाती है शहर में। तो फिर क्या होता है कि वहाँ अराजकता का माहौल हो जाता है, बिल्कुल वहाँ जो दुर्घटनाएं होती है वो घटने लग जाती है, चोरी, लूटपाट, डकैती की अराजकता का बिल्कुल चरम पे होती है अराजकता, तो इस प्रकार से उसका विनाश हो जाता है। तो शहर के विकास और पतन की अवस्थाएँ बताई इन्होंने। नेक्स्ट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं किस फील्ड में है। बहुत सारे वर्क किए हैं इन्होंने, ग्रिफिथ टेलर जो हैं, तो इनका प्रवास कटिबंध सिद्धांत भी है, माइग्रेशन में भी इन्होंने वर्क किया है, माइग्रेशन पे भी वर्क किया है, और जो रेसेस होती हैं, रेशियल ज्योग्राफी जो है, प्रजातीय भूगोल, उसमें भी इनका वर्क है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसे कटिबंध स्तर या फिर जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी, ये दोनों ही नाम आ सकते हैं, कटिबंध स्तर और जोन एंड स्ट्रेटा थ्योरी। और इसमें क्या बताया इन्होंने कि प्रजातियों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में बताया गया है, और प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र है वो मध्य एशिया को बताया। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, विचारक आएंगे, जिन्होंने प्रजातियों का उद्भव अलग अलग बताया, अफ्रीका भी बताया है, तो वो सब फिर डिटेल में स्टडी कर लेंगे। अफ्रीका भी बताया है कईयों ने, और इन्होंने मध्य एशिया बताया, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र मध्य एशिया को बताया। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर इनको अच्छे से अपने माइंड में ये स्ट्राइक करनी चाहिए बात कि हाँ, मध्य एशिया जो उद्गम क्षेत्र है वो ग्रिफिथ टेलर ने बताया है। नेक्स्ट है,
शीर्षस्थ सूचकांक, जैसे कि प्रजातियों का वर्गीकरण करना होता है उसमें, तो उसमें क्या है कि कुछ आधार माने जाते हैं शीर्षस्थ सूचकांक, और जैसे नासिका को भी उसमें आधार लिया जाता है, बालों की बनावट, बाल कड़ली हैं स्ट्रेट हैं, और चमड़ी का रंग, त्वचा का रंग, तो इस प्रकार से कई सारे आधार लिए गए हैं। तो इन्होंने किस आधार पर बांटा? इन्होंने बांटा शीर्षस्थ सूचकांक के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर चार भागों में, और शीर्ष सूचकांक है जो हेड इंडेक्स है उसके आधार पर तीन भागों में बांटा। तो विश्व को सात प्रजातियों में बांटा इन्होंने, और प्रजाति की परिभाषा दी इन्होंने, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रजाति की परिभाषा जो इनकी है। तो इसमें इन्होंने बताया कि प्रजाति जो है वो नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। इसमें डायरेक्ट कहने का मतलब यही है कि हम नीग्रो जो है उनको असभ्य मान लेते हैं, और जो काकेसाइड जो प्रजाति है वर्तमान में जो यूरोपियन जो प्रदेश है वहाँ पर पाई जाती है काकेसाइड, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, सभ्य मानते हैं, इसको हम असभ्य मानते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि प्रजाति जो शब्द है वो नस्ल को प्रकट करती है कि किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार की जनजाति का उद्भव हुआ, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ। तो नस्ल और जो प्रजाति है वो नस्ल के हिसाब से वर्णन करती है, न कि सभ्यता के हिसाब से। तो ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क था ग्रिफिथ टेलर का। ग्रिफिथ टेलर का वर्क हमने देखा, और इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रिटेन में जन्म हुआ, ये ब्रिटिश बॉर्न ज्योग्राफर हैं, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ। फिर इनकी स्टडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई, स्टडी ऑस्ट्रेलिया में हुई, बॉर्न हुए ये ब्रिटेन में, बी से ब्रिटेन और बी से बॉर्न, और स्टडी है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई इनकी। और इनका जो फील्ड वर्क है वो है अमेरिका में, अमेरिका या यूएसए में, तो इसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन ग्रिफिथ टेलर के बाद कार्ल ओ सावर को। कार्ल ओ सावर जो है इनका समय 1889 से 1975, जन्म मिसौरी राज्य में हुआ, यूएसए, मिसिसिपी, मिसौरी ये नदी है, मिसिसिपी नदी है, मिसौरी और मिसिसिपी जो स्टेट हैं वहाँ बहती है ये, तो इसको भी आप टैली कर सकते हो लोकेशन। 1915 में शिकागो विश्वविद्यालय में इन्होंने शोध की उपाधि ली, यहाँ इन्होंने पीएचडी करी, और मिशिगन विश्वविद्यालय जो है वहाँ इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। 1923 से 1957 तक इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कले जो है प्रोफेसर रहा, और बर्कले संप्रदाय से जुड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बर्कले संप्रदाय से संबंधित विचारक नहीं है, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो कार्ल ओ सावर है वो बर्कले संप्रदाय से संबंधित है, इसको भी आपको लर्न करना है। बुक्स देखते हैं इनकी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, और मैंस रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। इससे पहले हमने एक चेंजिंग द फेस ऑफ एशिया पढ़ी थी, वो हमने ओएच के स्पेट की पढ़ी थी, तो बुक्स को आप कई बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी, चेंजिंग द फेस ऑफ एशिया, तो एशिया का फेस चेंज में ऐसा करके कुछ बुक है ओएच के स्पेट की, और मैंस रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ अर्थ है ये है कार्ल ओ सावर की। तो इसको आप जैसे भी कोई टर्मिनोलॉजी सेम सेम मिले तो आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर ओरिजिन एंड डिस्पर्जल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है इनकी, कि कृषि जो है उसका किस प्रकार से उद्भव हुआ और किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ। अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जो अगर हम आप प्राचीन अपने भारत के हिसाब से देखना चाहें तो प्राचीन जो कृषि के जो अपने को संकेत हैं या जो सबूत हैं वो मिलते हैं, जो कालीबंगा की खुदाई हुई थी कालीबंगा में, तो वहाँ गेहूँ के दाने मिले थे, या फिर गेहूँ के खेत जो जुते हुए उसमें निशान मिले थे। तो इस प्रकार से बहुत पुराना किस प्रकार से कृषि का उद्भव हुआ, और उद्भव होने के बाद वो जो विश्व के अन्य क्षेत्रों में कैसे उसका विस्तार हुआ, तो इस प्रकार इन्होंने उस पर फील्ड वर्क किया और उस पर ये बुक लिखी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1952 में इसका पब्लिकेशन हुआ है बुक का, इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो आप यहाँ। कार्ल ओ सावर ऑन कल्चरल लैंडस्केप, कल्चरल लैंडस्केप जो है सांस्कृतिक परिदृश्य है उसका विकास किस प्रकार से होता है, उस पर इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, और ये इनकी बुक है एग्रीकल्चर ओरिजन एंड डिस्पर्जल्स, कार्ल ओ सावर की बुक है, किस प्रकार से कृषि का उद्भव हुआ और उसका विस्तार है या फैलाव है अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से हुआ उसके बारे में इसका वर्णन है। नेक्स्ट इनका योगदान देखते हैं, 1925 में
क्षेत्रीय विभेदन एरियल डिफ्रेंशिएशन शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए इससे पहले 1905 में अपने देख चुके हैं, 1905 में जो हमने देखा था पहले ही, हेटनर जो है उन्होंने 1905 में इस शब्द का प्रयोग किया था, हेटनर ने 1905 में। तो 1905 के बाद कौन आ गया, 1925 में कार्ल ओ सावर। तो इस प्रकार से जोड़ते हुए कड़ियों को फिर आपको अध्ययन करना है। एरियल डिफ्रेंशिएशन शब्द का प्रयोग किया था हेटनर ने, फिर 1925 में कार्ल ओ सावर ने, और फिर इसकी विशद व्याख्या जो है या विस्तृत व्याख्या है वो करी थी रिचर्ड हार्टशोन ने। रिचर्ड हार्टशोन को भी अमेरिकन ज्योग्राफर है, इसी में हम फिर पढ़ लेंगे। तो एरियल डिफ्रेंशिएशन शब्द क्या होता है कि भूगोल जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञान है उसके समान नहीं है, वो एक यूनिक एक साइंस है, यूनिक एक विज्ञान है जिसका अध्ययन क्या है कि कोई भी प्रदेश है उसकी विशेषता को लेकर, उस क्षेत्र विशेष की विशेषता को लेकर, उसकी यूनिकनेस को लेकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे कि हरियाणा का अध्ययन करना है तो उसके उसका एग्रीकल्चर पैटर्न अलग होगा, और अगर यूपी का अध्ययन करना है तो उसका एग्रीकल्चर पैटर्न अलग होगा, और प्रायद्वीपीय पठार का भाग का अध्ययन करना है या महाराष्ट्र का अध्ययन करना है तो उसका अलग पैटर्न होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि अगर हम भूगोल को एक सामान्य भूगोल मानकर उसके नियम बना देंगे तो उसकी क्या है पूरी जो यूनिकनेस है या उसकी आइडेंटिटी है वो ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र को विशेष मानते हुए, प्रत्येक रीजन को या प्रदेश को विशेष मानते हुए उसकी जो यूनिकनेस है उस पर आधारित एक अध्ययन या स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये इसका फिर विरोध करेंगे कुर्त शेफर, जो अपवादवाद की धारणा है उसके लिए फेमस है। तो देखते हैं इसको आगे, ये समझ में आ गया होगा एरियल डिफ्रेंशिएशन शब्द क्या है। ये आपने जो हेटनर पढ़ा था उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के थ्रू, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहलाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। कल्चरल जो ज्योग्राफी है उसका फादर कहा जाता है कार्ल ओ सावर को, क्योंकि इन्होंने भूदृश्य संकल्पना कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप विकसित किया। अब कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप क्या होता है कि मनुष्य जहाँ भी जाता है उसकी क्या होती है, एक वातावरण पर एक छाप होती है, वो वहाँ वातावरण के अनुसार और कुछ अपनी सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को यूज करते हुए वहाँ एक ऐसे भूदृश्य का निर्माण करता है, जैसे कि वो अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करता है, कृषि करता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, खाद्यान्न कौन से उपजाने हैं, कौन से उसको तिलहन या दलहन की फसलें उपजानी हैं। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्ट का, वो वहाँ पर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। तो ये क्या है कि सारे मनुष्य से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं वो इसमें जो भूदृश्य हैं उसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप का विकास किया। नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप और कल्चरल ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और इन्होंने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों में अंतर स्पष्ट किया। प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या आ जाएगा, जैसे प्राकृतिक भूदृश्य हैं तो नदी को कह सकते हैं हम, नदी, पठार, पहाड़, ये जो भी हैं ये प्राकृतिक भूदृश्य हैं। नदियों का पैटर्न किस प्रकार से होगा, पठार पर कौन कौन प्रकार से खनिज निकलेंगे। जबकि सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या आएगा, मानव निर्मित जो भूदृश्य हैं वो सारे सांस्कृतिक भूदृश्य में आ जाएंगे। तो मानव द्वारा निर्मित जो भूदृश्य हैं, अगर प्राचीन समय के हिसाब से देखें तो इसके जो मानव के आवास हैं वो किस प्रकार के होंगे, आवासों की बनावट किस प्रकार की होगी, क्या पैटर्न होगा उनका, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, सांस्कृतिक भूदृश्यों में आ जाएंगे। मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं वो सांस्कृतिक भूदृश्यों में आ जाएंगी, और वहाँ के क्या रीति रिवाज हैं, नैतिक मूल्य क्या हैं, आस्था, धर्म, ये सारे सांस्कृतिक मूल्यों में आ जाते हैं। तो सांस्कृतिक मूल्यों से आप क्या अनुमान लगाओगे, नैतिकता, नैतिक मूल्य क्या है वहाँ की, आस्था कैसी है, धर्म किस प्रकार का है वहाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है वहाँ के लोगों का, इस प्रकार के ये जो भी मूल्य हैं ये सारे सांस्कृतिक भूदृश्यों में आ जाएंगे। और प्राकृतिक भूदृश्य तो हम शुरुआत से अध्ययन करते आ रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा निर्मित जो भी भूदृश्य हैं वो सारे प्राकृतिक भूदृश्य हैं। नेक्स्ट है योगदान, देखते हैं इनका, कृषि का उद्भव बताने में इनका योगदान है, और पौधों और पशुओं का विसरण किस प्रकार से हुआ ये भी बताने में इनका योगदान है, और मूल अमेरिकी समुदायों पर विजय, जैसे कि अमेरिका के जो मूल जो संप्रदाय है वो रेड इंडियंस है, जबकि वर्तमान में वहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा प्रवास से वहाँ लोग आए हुए हैं,
तो यहाँ की जो जनजाति है उसको बाहर के क्षेत्रों में विस्थापित कर दिया है बिल्कुल। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्होंने जो वहाँ की ओरिजिनल जो जनजाति थी, जो मूल प्रजाति थी, उसको बाहर धकेल कर वहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, इस प्रकार से इसका मानना था। तो जैसे यूरोप में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ के संसाधन कम पड़ने लगे थे, तो यूरोप से अमेरिका में क्या हुआ था, प्रवास हुआ था। तो यहाँ के संसाधनों को खोजा गया और यहाँ पर विकास कार्य किए गए। जो नदी, जो अपने बोलते हैं झील, जो क्षेत्र हैं वहाँ का जो विकास हुआ वो सारा प्रवासियों के आगमन के कारण हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि वहाँ का जो रेड इंडियन जो समुदाय है वो आज हाशिए पर धकेल दिया गया है। वहाँ की जो जनसंख्या है उनकी बहुत कम है और उनके जो अधिकार हैं वो बिल्कुल माइनॉरिटी में आ गए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सावर्णीय दृश्य भूमि के विकास में मानव के कार्यों को प्रथम स्थान दिया तथा दूसरे स्थान पर पर्यावरण को रखा। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये संभवतावादी विचारक थे। तो प्रथम स्थान तो इन्होंने मानव के कार्यों को दिया और दूसरा स्थान पर्यावरण को दिया। नेक्स्ट इनका स्टेटमेंट है कि भूदृश्य निरंतर परिवर्तन से बनी संकल्पना है और इन्होंने भूदृश्य के सौंदर्य तत्व पर जोर दिया। भूदृश्य के सौंदर्य तत्व को किस प्रकार से बता सकते हैं अपने, कि पर्टिकुलर एक रीजन में किस प्रकार का जो भूदृश्य है देखने को मिलेंगे, आवास कैसे होंगे, बनावट कैसे होगी। जैसे कि एक शीतोष्ण प्रदेश लेंगे तो वहाँ की जो आवास हैं उनका, उनकी जो छत हैं जो उसका ढालू होगी बिल्कुल बर्फ़ ना जमे इस प्रकार से। तो और जो अपने राजस्थान में या रेगिस्तान में जो भी आवास होंगे तो उनका बिल्कुल पैटर्न अलग होगा, उनकी जो छत है वो बिल्कुल समतल होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि जो सांस्कृतिक तत्व है जो, और जो सौंदर्य तत्व है जो आवासों का और मनुष्य द्वारा निर्मित जो भी संरचनाएं हैं तो उस पर इन्होंने जोर दिया। तो इन्होंने क्या है कि भूगोल को एक नीरस सिर्फ प्राकृतिक क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं बनाते हुए मानव द्वारा निर्मित जो संरचनाएं हैं उन पर जोर दिया। तो ये भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया, कल्चरल ज्योग्राफर थे ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, सावर्णी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी संकल्पना है वो है कल्चरल हार्थ। सावर्णी कल्चरल हार्थ या सांस्कृतिक तल जो होता है उसकी संकल्पना दी। अब सांस्कृतिक तल जो शब्द है इसको समझते हैं। सांस्कृतिक तल क्या होता है कि किसी भी जो विषय वस्तु है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो वो जो ओरिजिन है ओरिजिन के बाद वो कहाँ कहाँ विस्तार हुई, तो जो ओरिजिन है उसको क्या बोलेंगे हम, सांस्कृतिक तल बोलेंगे। तो सांस्कृतिक तल क्या हो जाएगा, ओरिजिन क्षेत्र। कल्चरल हार्थ वह क्षेत्र होता है जहाँ संस्कृतियों का उद्भव होता है, ओरिजिन होता है। तो इसने उदाहरण देते हुए क्या बताया, एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी घाटी में जो सभ्यता विकसित हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसको इन्होंने क्या बताया, चावल और गेहूँ की संस्कृति का उद्भव क्षेत्र बताया। कि जो चावल और गेहूँ है उनका ओरिजिन मेसोपोटामिया सभ्यता है उससे हुआ, तो इनका ये मानना था। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करना चाहें तो भारत का जो ओरिजिन क्षेत्र है या कल्चरल हार्थ बोल सकते हैं वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से हमारा जो ओरिजिन है या उद्भव है या जो सबसे प्राचीन जो साम्राज्य है उसका हम कहें तो मगध साम्राज्य था वो। तो इस प्रकार से, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मगध साम्राज्य नहीं लेना चाहें तो बिहार में जो गंगा मैदान है, गंगा मैदान है वो ओरिजिन क्षेत्र है गंगा मैदान। मगध साम्राज्य से पहले भी वहाँ कई सारी सभ्यताएं होंगी। तो इस प्रकार से जो नदी घाटियां हैं, कहीं ना कहीं प्राचीन समय में नदी घाटियां थी वो ही ओरिजिन का क्षेत्र होती थी। तो सिंधु सभ्यता है, उसके जो लोथल, हड़प्पा, ये कई सारे इसके जो बहुत ज़्यादा विकसित नगर थे, कालीबंगा व्यापारिक नगर थे, तो ये क्या थे कि अपने चरम पर जो सभ्यता थी उस समय ये नगर विकसित हुए और ये राजधानियां बनी। पर जो उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ, बिल्कुल जो घाटी क्षेत्र है वहाँ से हुआ, क्योंकि वहाँ जलवायु अच्छी थी, जल की उपलब्धता थी और प्राकृतिक दशाएं मनुष्य की बसावट के लिए अनुकूल थी। तो इसको हमने समझ लिया, कार्ल ओसावर कल्चरल ज्योग्राफी में इनका योगदान है, इनका इम्पोर्टेंट वर्क हमने देखा। नेक्स्ट देखेंगे अपने हार्टस्टोन को। हार्टस्टोन नेक्स्ट हम देखेंगे डर्बेंट विटलसी को। डर्बेंट विटलसी अमेरिकन, बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इनका फील्ड देखते हैं, मानव क्रियाओं,
कृषि भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में इनका योगदान है। इनका समय है 1890 से 1950 इनका समय है और इनका योगदान कृषि भूगोल में बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक भूगोल में भी है और आर्थिक भूगोल में भी है। इनकी बुक्स देखते हैं, द अर्थ एंड द स्टेट एंड ये है 1939 में प्रकाशन हुआ, द अर्थ एंड स्टेट का प्रकाशन हुआ 1939 में, और एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, जानकारी बना सकते हैं आप इस पर। तो ये 1925 में आई, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो इसको इंट्रोडक्शन टू रीजनल ज्योग्राफी आई थी ओएच के स्पेट की। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन टू कमर्शियल ज्योग्राफी भी आएगी जॉर्ज चिशोलम की, इस प्रकार से बहुत सारी बुक्स आएंगी इंट्रोडक्शन नाम से। तो इसको देखते हैं अपन, 1925 में आई ये। नेक्स्ट है जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, कि जर्मनी की क्या नीति थी वर्ल्ड पर या विश्व पर विजय पाने की, तो ये बुक आई 1942 में। तो इससे हमें पता चला है कि ये राजनीतिक भूगोल में भी इनका वर्क है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, ये आई थी 1949 में। तो इनका बहुत सारे क्षेत्रों में योगदान है, बुक्स है इनके इम्पोर्टेंट। पब्लिकेशन किस समय हुआ वो भी हमने देख लिया, योगदान में इनका देखते हैं। कैंपेज जो हैं शब्द, उसकी अवधारणा दी इन्होंने। कैंपेज क्या होते हैं? लघु प्रदेश के भूदृश्य, जो एक बड़ा रीजन है या प्रदेश है उसके अगर छोटे छोटे भागों में उसका अध्ययन करें, तो इसी को ब्लांस ने पेज कहा था, पेज या पे भी आ सकता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो, पे भी आ सकता है और पेज भी आ सकता है। तो कैंपेज जो है वो विटलसी की संकल्पना है, टर्मिनोलॉजी है, और पेज जो है वो ब्लांस की टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें भी ये छोटे छोटे प्रदेश ही होते हैं पेज, और इसमें भी लघु प्रदेश के भूदृश्य या छोटे छोटे में भागों में बांटकर प्रदेश का या सांस्कृतिक भौतिक जो भूदृश्य है उसका वर्णन करना। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने कैंपेज की संकल्पना दी, अर्थात उत्तरी अमेरिका या यूएसए में जो प्रादेशिक भूगोल है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर वहाँ के सांस्कृतिक भौतिक भूदृश्यों का वर्णन किया कैंपेज के थ्रू। नेक्स्ट है अनुवर्ती दखल, अनुवर्ती दखल या सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन से उद्योग धंधे का विकास हुआ, जैसे बिल्कुल आदिमानव था उसने क्या किया, का आविष्कार किया, पहले वो क्या करता था कि बिल्कुल अखेट पर निर्भर था, फिर उसने संग्रह करना शुरू किया। तो इस प्रकार से व्यवसाय जो है उनका एक क्रम है, उसके हिसाब से व्यवसायों का विकास हुआ है। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि किस प्रकार से व्यवसायों का विकास हुआ। तो हम देखते हैं इसमें व्यवसायों का विकास किस प्रकार से हुआ, कि सबसे पहले क्या हुआ, खाद्य एकत्रण, फिर इसके बाद अखेट, मनुष्य जो आदिमानव था उसने सबसे पहले क्या, खाद्य एकत्रण किया, उसने जो जंगल से कंद मूल फल जो है वो इकट्ठे करने शुरू किए, फिर उसने क्या किया, जो पशु थे जंगली जानवर थे उनको मारकर खाना शुरू किया, फिर उसने उनको पालतू बनाया या पशुचारण कार्य शुरू किए, और फिर उसे दूध और कृषि में उपयोग किया उसको, फिर उसने कृषि का विकास किया, और फिर वर्तमान में फिर उसने उद्योग धंधे बनाए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमने देखे कि बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ, बहुत सारे जो पूरे प्रदेश में जो सॉरी पूरे विश्व में उद्योगों का विकास हुआ। और फिर वर्तमान में क्या हुआ, उत्तर आधुनिक समाज में सूचनात्मक समाज जो हमने पढ़ा था, तो इस प्रकार से जो व्यवसाय हैं उनका विकास हुआ। तो ये सीक्वेंट डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसको आप ध्यान में रखना है आपको, कि सबसे पहले खाद्य एकत्रण, फिर आखेट, पशुचारण, कृषि और उद्योग, याद रह जाएगी। बट इसमें थोड़ा सा पशुचारण और कृषि, इसको एक क्रम को ध्यान रखना है क्योंकि क्रम से पूछा जाता है। नेक्स्ट अनुवर्ती दखल को हमने पढ़ लिया, अनुवर्ती दखल और सीक्वेंट ऑक्यूपेंस दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। विटलसी ने 1936 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्होंने सबसे पहले 13 कृषि प्रदेश बांटे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भारत को किसने कृषि प्रदेशों में बांटा है वो भी पढ़ेंगे, और जैसे अमेरिका को किसने कृषि प्रदेशों में बांटा, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो इसमें टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि इन्होंने विश्व को बांटा और भारत को बांटेंगे वो अलग विद्वान होंगे। और जो 15 प्राकृतिक प्रदेश बांटे थे हर्बर्ट सन ने, तो उसको भी ध्यान रखना, उन्होंने भी विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था, 15 प्राकृतिक प्रदेशों में, और यहाँ है कृषि प्रदेश। तो विटलसी के कृषि प्रदेश अपने देखेंगे,
एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको, जो मेडिटेरियन कृषि होती है, ट्रक फार्मिंग जो होती है, उस प्रकार से इन्होंने जो बताएं अध्ययन करेंगे हम इनका। नेक्स्ट, ये नियतिवादी विचारधारा का विरोधी था। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से सीक्वेंट ऑक्यूपेंस बताएं और कैंपेज बताएं, तो इससे हमें पता ही लग रहा है कि ये नियतिवादी विचारक नहीं था, संभववादी विचारक था। और अम्बलैंड जो नगर प्रभाव क्षेत्र जो शब्द है उसका इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये शब्द जो है वो है आंद्रे एलेक्स का, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। नगर प्रभाव क्षेत्र का प्रयोग किया और शब्द जो है वो है अम्बलैंड का। कई बार ये होता है कि जो कंसेप्ट होता है वो पहले ही आ जाता है और शब्द बाद में आता है। तो कंसेप्ट का मतलब तो ये होता है कि थ्योरेटिकली उसको डिस्क्राइब करना, उसका वर्णन करना, जबकि उसको एक शब्द में बांधना वो फिर हो सकता है बाद में आए। तो इस प्रकार से आंद्रे एलेक्स ने शब्द दिया था अम्बलैंड। तो शब्द है आंद्रे एलेक्स का और जो संकल्पना है वो है डर्बेंट विटलसी की। डर्बेंट विटलसी की एक और बुक है, रिसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी इनका योगदान है, राजनीतिक भूगोलवेत्ता भी थे ये, इनका योगदान देखते हैं। प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे ये, जिसने भूगोल को ईडियोग्राफिक विशिष्ट वर्णनीय विज्ञान बताया था। विशिष्ट वर्णनीय विज्ञान का मतलब क्या होता है? ईडियोग्राफिक का मतलब ये होता है यूनिकनेस को लेकर अध्ययन करना, किसी भी प्रदेश की यूनिकनेस को लेकर अध्ययन करना, वही क्षेत्रीय विभेदन वाली संकल्पना है। तो इसको फिर आप देख सकते हो ईडियोग्राफिक और जो नोमोथेटिक अप्रोच होती है। नोमोथेटिक का मतलब होता है जनरल या सामान्य, जिसको नियम के आधार पर हम विभाजित कर सकें या जिसका अध्ययन कर सकें। तो नोमोथेटिक और ईडियोग्राफिक अप्रोच दोनों को बहुत अच्छे से बताया है हमने एक वीडियो में, तो आप उस पर जा सकते हो एटनर वाले वीडियो में, जर्मन ज्योग्राफर हैं उसमें जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट है, भूगोल वह अनुशासन है जो पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। भूगोल क्या है? मानव संसार के रूप में व्याख्या करते हैं पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान की। और इन्होंने 1955 में संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का भी सीमांकन किया। तो प्राकृतिक प्रदेश हर्बर्टसन ने भी बताए थे, हर्बर्टसन ने भी विश्व के प्राकृतिक प्रदेश बताए थे और इन्होंने भी 1955 में प्राकृतिक प्रदेशों का सीमांकन किया था, बाउंड्री बताई थी उनकी। नेक्स्ट है, भौगोलिक और प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना प्रस्तुत की, मानव भूगोल में कार्यात्मक उपागम। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे उपागम आएंगे, फंक्शनल अप्रोच है और किसी भी जो विषय वस्तु है उसके अध्ययन के लिए कुछ अप्रोच होती है, कुछ उपागम होता है, निर्धारित नियम होते हैं, उस हिसाब से उसका अध्ययन करना। जैसे कमोडिटी अप्रोच हो गई, फंक्शनल अप्रोच हो गई, एक जो जेनेरिक अप्रोच होते हैं, उस प्रकार से कई प्रकार के उपागम होते हैं, इनका फिर अपने स्टडी कर लेंगे। तो इनके उपागम जो थी वो थी कार्यात्मक उपागम। तो इसको ध्यान रखना है आपको कि डर्बेंट विटलसी का जो था वो फंक्शनल अप्रोच थी इनकी। और इन्होंने राजनीतिक भूगोल में सीमाओं का जनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट में। नेक्स्ट है, इन्होंने राज्यों के मध्य विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच कार्यात्मक दृष्टिकोण फंक्शनल अप्रोच प्रस्तुत की। विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों के बीच, अब देखिए एक राज्य है, राज्य को पूरे जो अपनी जो टेरिटरी है, जो पूरा सीमांकन जो क्षेत्र है उसका, राज्य का मतलब ही क्या हुआ कि उसके एक फिक्स बाउंड्री होगी। और जो प्राकृतिक प्रदेश है उनकी जो बाउंड्री होती है वो किसी पहाड़ या किसी नदी के द्वारा, झील के द्वारा भी हो सकती है। तो इस प्रकार से उनकी सीमा निर्धारित होती है, जबकि राज्य की क्या होती है, एक फिक्स बाउंड्री होती है। तो राज्य के जो जो भी जो निवासी होते हैं वो इस बाउंड्री से बंधे होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि राज्यों के मध्य विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां हैं, जो अब राज्य में जैसे अपने जिले होते हैं, तहसील होती है, पंचायत समितियां होती हैं, तो उन सब के लिए इन्होंने एक फंक्शनल अप्रोच प्रस्तुत करी। उसकी जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, राज्य उस पर कैसे नियंत्रण करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। नेक्स्ट है, 1935 में राज्यों के अध्ययन की मोर्फिकी आकारिकी विधि को विकसित किया। आकारिकी का संबंध होता है जो आकार होता है, विस्तार होता है, उस प्रकार से इन्होंने राज्यों के अध्ययन के लिए आकारिकी विधि है जो मोर्फोलॉजी है उसका इन्होंने विकास किया डर्बेंट विटलसी ने। तो डर्बेंट विटलसी की इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस में इनका वर्क है, अनुवर्ती दखल की संकल्पना दी इन्होंने और जो राज्य के सीमांकन की विधि बताई इन्होंने, फंक्शनल अप्रोच दी इन्होंने। तो इस प्रकार से राजनीतिक भूगोलवेत्ता है, आर्थिक भूगोलवेत्ता है,
और कृषि में भी इनका योगदान है, और इन्होंने 13 कृषि प्रदेश बताए थे विश्व में, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ज्योग्राफर देखते हैं अपन, जे के जिफ जो हैं ये फिलोलॉजिस्ट हैं, और स्टेटिस्टिकल और लैंग्वेज में इनका योगदान है, लिंग्विस्टिक ज्योग्राफर हैं ये। तो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट इनका जो सिद्धांत है इसके लिए इनको जाना जाता है। इनका समय है 1911 से 2004, और अधिवास भूगोलवेत्ता हैं ये। प्रवास और नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम पर इन्होंने कार्य किया, प्रवास से संबंधित नियम दिए थे इन्होंने, जो लिस्ट एफर्ट वाला जो सिद्धांत है वो प्रवास से संबंधित है। और नगरीय बस्तियों का जो पदानुक्रम होता है, हायरार्की जो होती है, इससे पहले भी हमने देखा था जो हायरार्की होती है नगरीय भूगोल पढ़ेंगे तो प्राइमेट सिटी और जो रैंक साइज रूल हैं ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें सब में क्रिस्टोलर ने भी हायरार्की की बात करी थी, तो ये सारे फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। इनकी बुक्स देखते हैं, नेशनल यूनिटी एंड डिसयूनिटी इनकी बुक है, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट, कि जो मनुष्य होता है वो इस प्रकार के कार्य करता है जिसमें उसको कम से कम प्रयास करने पड़े। जैसे कि एक मनुष्य है जिसको यहाँ पर मॉल में सारी सुविधाएं दी गई है, और ये मॉल है 15 किलोमीटर दूर, और यहाँ इसको एक मिल्क बूथ है, यहाँ एक छोटा मार्केट है, और ये सारे इससे 3-3 किलोमीटर पर ही हैं। तो ये क्या करेगा कि अगर मॉल 15 किलोमीटर है और यहाँ पर इसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये यहाँ न जाकर यहीं जाएगा, क्योंकि जो न्यूनतम प्रयास है, एक छोटा मार्केट भी है, तो अगर इसकी आवश्यकताएं देखनी पड़ेगी इसको कि इसको किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है, अगर कम चीज़ों की आवश्यकता है तो ये यहीं से ले लेगा, क्योंकि ये 6 किलोमीटर ही है, तो इसको प्रयास कम करना पड़ा। और मान लो कि इसको, जैसे कि इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है और मूवी भी देखनी है, साथ में कुछ शॉपिंग करनी है, और जैसे कि घुमाने में ले जाना है बच्चों को, इस प्रकार से कई सारे काम करने हैं, तो ये क्या करेगा, जो 15 किलोमीटर वाला है इस वाले क्षेत्र को प्राथमिकता देगा। तो इस प्रकार से जो मनुष्य का प्रयास होता है वो क्या होता है कि उसको कम से कम प्रयास करना पड़े और उसको अधिक से अधिक सुविधा मिलनी पड़े मिले, इस प्रकार से इसका सिद्धांत था लिस्ट एफर्ट का। नेक्स्ट है, इसकी बुक है द P1P2/D2 हाइपोथेसिस, ये भी एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है योगदान, नगरीय बस्तियों के पदानुक्रम व्यवस्था को विकसित किया तथा श्रेणी आकार नियम रैंक साइज रूल है उसका इन्होंने प्रतिपादन किया, जिसका संबंध नगरीय बस्तियों के आकार के अनुसार वितरण प्रतिरूप प्रस्तुत किया, पॉपुलेशन साइज जो होती है उसके आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण करना। तो रैंक साइज रूल क्या बताता है कि जो नगरीय बस्तियां हैं उनका पदानुक्रम बताता है। नेक्स्ट है प्रवास भूगोल, प्रवास भूगोल में मानव प्रवास से संबंधित न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया और बताया कि मनुष्य उन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रवास करता है जहां उसको कम से कम प्रयास करना पड़े। तो ये हमने पढ़ लिया था, प्रवास भूगोल भी देख लिया था, और इनकी ये इमेज है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट और P1P2/D2 हाइपोथेसिस और रैंक साइज रूल। एक बार फिर से इनको अध्ययन कर लेंगे हम जब नगरीय भूगोल पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएगी आपको। यहाँ तो सिर्फ इसीलिए बताई गई है ताकि आपको नाम से पता चल जाए कि हाँ ये ज्योग्राफर हैं और इनका ये योगदान है या ये इस कंट्री से रिलेटेड हैं, तो इसीलिए आपको ये सब बताया गया है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऑर्गेनाइज वे में अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से स्टडी कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपका दिन शुभ हो।